Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel with another beautiful day. This is Miki Zara. उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ. तो भाई बात कुछ ऐसी है कि आज जो है ना मेरे एग्जाम हो गए खत्म. आज नहीं मतलब कल मेरे एग्जाम खत्म हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छे एग्जाम गया कल का तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती. मैं इतना लिखा मैंने भाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार. उसके बाद भाई आज मैं बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रही हूँ क्योंकि आज कोई काम नहीं है मुझे. लेकिन आज हम लोगों को आज भी काम है. आज हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरनगर. और मुजफ्फरनगर हम लोग क्यों जा रहे हैं वो मेरा एक खास मकसद है, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी कि हम मुजफ्फरनगर जा क्यों रहे हैं. तो अभी तो बस मैं सो के उठ गई हूँ और अब मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं, जैसे कि मुझे घर की सफाई करनी है क्योंकि मैं अकेली हूँ पापा के साथ. और पापा और मैं जो है मुजफ्फरनगर जाएंगे और हम लोग जा रहे हैं आज जो है वो बस से हम लोग मुजफ्फरनगर जाएंगे क्योंकि पापा की कार एक्चुअल में यहाँ नहीं है, वो भी मुजफ्फरनगर ही खड़ी है पापा. तो अब हम लोग जाएंगे बस से. बहुत लंबा सफ़र है, पता नहीं हम लोग कैसे करेंगे और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो बड़ा मुश्किल होगा वो करना. तो अभी मैं घर के साथ सफाई सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद जो है हम लोग निकलेंगे, रेडी वगैरह होके हम लोग निकलेंगे मुजफ्फरनगर के लिए. इतने आप लोगों को जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ब्लॉग को एंड तक देखना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना है, ठीक है. और जो आपको खास मकसद मैंने बताया कि मेरा खास मकसद है आज वहाँ जाने का, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि भाई आखिर में मकसद मेरा है क्या, ठीक है. चलिए जी, मैं हो गई रेडी और बस पापा भी रेडी हो गए. हम लोग निकलने वाले हैं, ऑलमोस्ट 3 o'clock हो गए हैं और बहुत देर हो चुकी है. धूप के में भाई बुरा हाल होने वाला है मेरा तो. और मैं हो चुकी हूँ तैयार, तो मैं आपको दिखाती हूँ जिस टाइप का. और ये अपना बैग ले लिया, जो मेरी जरूरत का सामान था वो मैंने अपना इस बैग में ले लिया है. मेरा प्यारा से बैग थोड़ा गंदा हो गया है क्योंकि इसका लाइट कलर है ना, इसलिए जल्दी गंदा हो गया. बस निकलते हैं, पानी ले लेते हैं और फिर जल्दी से हम लोग निकलते हैं. ऑलमोस्ट लेट हो गया बहुत ज़्यादा. और जी बता देती हूँ कि मकसद क्या है जाने का, वो भी आपको बताती चलूँ. तो मकसद ये है कि भाई मैं फिर से खाला बन चुकी हूँ, तो वह पी के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हुआ है. तो बस मैंने उससे दे दिया था, तो इसलिए पापा मुझे लेके मुजफ्फरनगर जा रहे हैं. तो मैं उसे फर्स्ट टाइम देखूँगी. हो गए 7-8 दिन हो गए हैं, तो बस अब निकलने लगे हैं हम लोग और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए भी. बहुत मिस किया. स्कूटी में ले गया था. कहाँ? थोड़ी देर में. अच्छा चलो ऊपर. अरे भाई कहाँ सब लोग ऊपर ही हैं. अभी एयरबस आने हो गया. मिस किया है. कहाँ है तेरा फोन? कहाँ है? थोड़ा ना. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम. हाय दीरा. हाय. कैसी हो? ठीक ठाक है. अस्सलाम वालेकुम अम्मा, आ जाओ. भाई मैंने तुम सबको बहुत मिस किया, मैं अकेली थी ना वहाँ पे, इतना मिस किया ना सबको. हाय सोफी, सभी तो हंसे जा रही है. हाय अस्सलाम वालेकुम. हाय टोपी, जाग रहा है. चलो रुक जाओ, मैं हैंड वॉश करके आ जाऊँ. जरा हैंड वॉश करके आ जाऊँ पहले. कैसी हो? ठीक ठाक हो? है चलो भाई, मैं ठीक हूँ, हैंड वॉश कर लूँ. तो भाई अब हम मिलने लगे हैं मोहम्मद वारिस से और इसका नाम इतना यूनिक है ना, मोहम्मद वारिस, इतना क्यूट नेम है. और जितना क्यूट नेम है ना उतना क्यूट मोहम्मद वारिस. अल्लाह मैं कह रही हूँ तो हंस रहा है ये, पता ही मुस्कुरा रहा है. और मैं दिखाती हूँ, ऐसे फेस पे लाइट पड़ रही है ना तो थोड़ा सा घबरा जा रहा है एकदम से. तो हल्का सा दिखा देती हूँ, लाइट में नहीं पड़ा सकती क्योंकि वो घबरा रहा है. और मैं इसके कपड़े दिखाती हूँ कितने क्यूट हैं. अभी एक सेकेंड इसके ये हटाना ज़रा यार, पैर भी उड़े हुए हैं, पैर मोड़े हुए हैं इसने पूरे. चलो पकड़ना, मैं खेल इसको, मेरा कैमरा इसको रहा है अजीब सा. ओए होए उड़ गया ये तो.
The next day. तो गुड मॉर्निंग जी, सुबह हुई है और कल मैंने ज्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि मैं आने के बाद थक गई थी। आप लोगों को पता है कि बस का सफर तो किस तरीके से होता है, बहुत मुश्किलों से होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था मेरे निकलते ही, धूप कम हो गई थी, बारिश होने लगी थी हल्की हल्की सी। और जब मैं आई वहाँ पहुंची तो हमारी कार में इतना मिस किया ना उसको, हमारी कार यहाँ पे खड़े हुए धूल चाट रही है, बाहर खड़े हुए मैं दिखाऊंगी आपको। और उसको मैंने इतना मिस किया भाई, अगर वो होती हमारे साथ हम पूरा रास्ते इतने मजे करते हुए आते, लेकिन हम बस में आए थे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ इंशा के साथ, जो हमारे काफिले में एक लेडी थी अम्मा, तो उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस करती हैं तो मैं आज उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो में उन्हें नहीं देखा है, वो कौन सी ज्यारत थी, अतराव की ज्यारत थी, जब हम सामर काजमैन गए थे वाली ज्यारत में वो अम्मा है, जब वो एक बार खो गई थी, मतलब बस में जाके बैठ गई थी, हम लगा वो नहीं मिल रही है तो मुझे बहुत ढूंढा था, लेकिन वो खुद से बस में जाके बैठ गई थी। तो उनसे मैं मिलने के लिए जा रही हूँ अब, और बस रेडी हो चुकी हूँ और मैं निकलने लगी हूँ। इंशा फ्रेश अप हो जाती है और फिर हम निकलते हैं साथ में उनसे मिलने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलने के बाद, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं उनसे मिलूँ। तो आज हम काफ़ी टाइम से यहाँ आते थे लेकिन मिलना नहीं होता था, क्योंकि मैं एक दिन आती थी, दो दिन रुकती थी, चल जाती थी। इस बार मैं काफ़ी दो तीन दिन रुकने के लिए आई हूँ और यहाँ पे इंशा भी मौजूद है, तो इसलिए हम दोनों साथ में जाएंगे और फिर मुलाकात करेंगे। तो मैं यहाँ हो चुकी हूँ रेडी, मतलब वही कल वाला मैंने जो अपना सूट था वो वेयर कर लिया, क्योंकि ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरा ईरान का सूट है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने ये फर्स्ट टाइम पहना था, इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये कुछ इस टाइप से है, ये इस टाइप से है, कुछ देख सकते हैं तिकोनी शेप में, और बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद, इसका लुक जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो बस चलते हैं, गेट वगैरह बंद कर देते हैं और लेट्स गो। अरे यार जूते भी तो पहनने ना। तो यहाँ मैं अपने सैंडल डाल लेती हूँ, हो गया। हाँ तो बस चलते हैं और ये साइड कर देते हैं। चलो यार मेरा स्कार्फ कैप नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो कि किधर चला गया है, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। यहाँ से बंद करके जाना पड़ता है और यो लग गई मेरे, लगता है बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, कैन सी बूंदे आ रही है। यार इंशा तुम्हारा दरवाज़ा अच्छा लग रहा है ना, बस लगता है। चलो और ये खड़ी हमारी कार जो कि धूल झाड़ रही है भाई। चलो और देखो जरा हम बारिश में इतनी मोहब्बत से मिलने जा रहे हैं। और कल है ईद गदीर, तो हम सब ने अपने हाथों पर ईद की खुशी में मेहंदियाँ लगाई हैं, मैंने भी लगा ली है। चलिए तो हम लोग वापस आ गए, मैं और इंशा। एक्चुअली में हम लोग गए तो बड़ी शिद्दत से थे बारिश में, लेकिन एक्चुअली हुआ है सारा कि वो अपने घर पर नहीं थी तो हम उनसे मिल नहीं पाए। राइट साइड पोपट हो गया, बहुत बुरा हुआ है। अब ज़रा लाइट फैन ऑन कर देते हैं। और हमारे साथ बहुत बड़ा सीन हुआ है यार, इतना दिल था ना मेरा उनसे मिलने का और हम बारिश में गए इतने दिल से शिद्दत के साथ, लेकिन नहीं मिल पाए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी ट्राई करेंगे मिलने का इंशाल्लाह। चलिए तो बस मैं फिर से मैं चेंज कर लेती हूँ अपने कपड़े और अपने थोड़ा फ्री हो जाती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करके रिलैक्स फील होता है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कभी, कल वगैरह कल देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। अपनी मेहंदी वॉश कर ली है, मैं थोड़ी बहुत अपने लाइक लगा लेती हूँ यार मेहंदी, और अच्छी भी लग रही है लगाने के बाद, वॉश होने के बाद और ज़्यादा प्यारी लग रही है। लुक नाइस ना, यहाँ नहीं लगाई है मैंने, यहाँ लगाई है, अच्छी लगती है। मैं कभी कभी अपने हाथों पे मेहंदी लगा लेती हूँ और ईद गदीर की खुशी में मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगा ली थी थोड़ी बहुत, और फातिमा है उसके हाथ पे भी लगाई थी, तो थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं ऐसी चीज़ें। हम चलते हैं
अब हम खाएंगे यहाँ का मशहूर बर्फ जो कि सिर्फ यहीं पे मिलता है, खटाई का इमली वाला बर्फ। बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, सिर्फ यहीं आके मिलता है और मेरा दिल ललचाया रहता है। The next day. अच्छा लो हिस्सा लीजिए आप और खीर। हाय मोहम्मद सर, तो मोहम्मद सर लो, मोहम्मद ले, मोहम्मद सर को दे, दिस इज फॉर यू। तो जी सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत और बहुत ज्यादा शोर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अधीरा भैया ईद मुबारक, आओ गले लगो मेरे, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मोहम्मद नहीं आना चाह रहा, मुझे ईद ही मिल रही है। और ये हमने कुछ सामान मंगा लिया है बच्चों को देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अधीरा चले, लो अधीरा आपकी पकड़ लो, चले मोहल्ले में बच्चों को बांटने। हाँ हाँ, ये मोहल्ले में बच्चों को बांटने जा रहे हैं। और ये हमें भी ईद ही मिल गई है और इसे संभाल के रखेंगे, इसके अलावा और भी हैं और हम लोग संभाल के, हाँ वही दिखा रहे हैं, तो हम लोग इन्हें संभाल के रखेंगे। अब जो है चलते हैं, चले फातिमा चल रही है, देने आओ, चल भाई लड़के पे चलो साथ में, चलते हैं। हाँ चल पकड़ो इसको, लेने तो साथ ही चलेंगे ना। वालेकुम अस्सलाम, चले चलो अब मिल लेते हैं हम घोड़े से। यार ये कितना अच्छा हो गया ना, काला हो रहा है इतना गंदा, मतलब गंदा यार ये तो बात है कि थोड़ा गंदा हो गया, वाइट बहुत अच्छा लगता था ये। सच में काटता है क्या? नहीं काट। बस बस मोहम्मद बस, ज्यादा तंग नहीं करो, चले गर्मी हो रही वैसे। हाँ कितना डर रही हो तुम, डर गई ना, डर गई भाई ये तो डर रहा है। हाय मोहम्मद सैन, हेलो, चने सवील चला रखी है यहाँ पे, बच्चों को जो है वो जूस पिला रही है गन्ने, माशाल्लाह। जब तो दे लगे पे देना मुझे भी, शुक्रिया। चलो भाई चलो दूसरी जगह, यहाँ तो दे दिया है हमने, अब दूसरी जगह देंगे बच्चों को। चलो भाई भाई यहाँ भी बांट दी, अब सब जगह से फारिग हो गए, अब चलते हैं। अब हमें एक शादी में जाना है तो जाके कपड़े प्रेस करने हैं, नमाज अदा करनी है और फिर हम लोग निकलते हैं शादी के लिए। बहुत देर हो चुकी है, घर से कॉल आ रहे हैं कि जल्दी आ जाओ भाई, निकलना भी है, तो बस चलते हैं। अब तो सब जगह दे दिए, सब फारिग हो गया, इनके घर पर चल रहा है कुछ काम वाम, तो इसलिए पेंट पे हाथ नहीं लगाना। आज के कपड़े और अब मैं इन्हें ले जाके पहले रख दूं और नमाज पढ़ लूं। A few moments later. जी तो मैं हो चुकी हूँ बस रेडी और मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ अभी, बस अभी अभी रेडी हुई है और निकलते हैं हम लोग। थोड़ा सा लेट हो रहे हैं क्योंकि रेडी होने में तो टाइम लगता ही है। एक मिनट में सभी को बुलाते हैं। समाप्ति इतनी काला लुक दिखा दो यार मेरा प्लीज लुक। और असमप्पी भी हो चुके हैं रेडी, मैं सभी का लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। नाइस, वेरी नाइस असमप्पी। और ये है मेरा लुक, और मैंने पीछे स्कार्फ में फिर भी लगा के ताकि मेरे स्कार्फ जो है वो इधर उधर बिल्कुल भी ना हो, सेटल होने के लिए। कैसी लग रही है मुझे? अच्छी लग रही है। मेरा स्कार्फ अभी तक ना पूरी तरह सेट नहीं हो पाया, मुझे नीचे नीचे जाके ना उसको पिनअप करना है। स्कार्फ सेट नहीं कर पाई है, वो इधर से उधर जा रहा है, अभी वो पिनअप करेंगे नीचे जाके तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अच्छी लग रही हूँ माशाल्लाह, प्यारी लग रही हूँ मुझे तो। एक बार कहा नहीं, हाँ तो बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत ज्यादा। चलिए चलते हैं और यहाँ के फैन लाइट्स ऑफ कर देते हैं हम। चलो
पसीने आ रहे हैं, पसीने पसीने आ रहे हैं। चलो भाई। हाँ ओके चलो भाई निकलते हैं बस। और ओ हो इंशा यू आर लुकिंग वेरी नाइस, अच्छे लग रहे हैं यार सब लोग, अच्छे लग रहे हैं सब। तुम भी जा रही हो क्या आयशा पीछे पीछे? अभी आ रही हूं मैं, जा रही हूं लेकिन आयशा को हम लोग आयशा जा रहे हैं। चलो चलो मेकअप करके आ जाओ, इतने मेकअप कर लो ठीक है, हम लोग आ रहे हैं अभी। चलो मेकअप चलो भाई लड़की अभी चलो, मम्मा पीछे बैठो ना बैठो आने के लिए ना चल भाई। ओ हो हो आयशा हाय हाय नबिया, क्या हाल है भाई तुम लोगों के? ठीक ठाक हो? इसमें नींबू डालो। पानी। A few moments later. चलो भाई फिर से हमारी जगह पीछे, चलिए भाई। आई चलो भाई चलिए जी। तो फाइनली चलिए जी, तो बस हम लोग पहुंच गए घर और बहुत ज़्यादा थक गए, इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी है ना भाई, बहुत मुश्किल काम था वहाँ पे खाना खाना, वहाँ पे टिकना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, बड़ी मुश्किलों से हमने। हाय धीरा हाय, बहुत गर्मी लग रही है, अब मैं जा रही हूँ जल्दी चेंज करने। ओ माय गॉड बहुत गर्मी है। चलिए जी व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अब मैं चेंज करने वाली हूँ, अब बहुत गर्मी लग रही है इसलिए अब हालत ख़राब है। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।